स्वागत है। आज मैं आपको हेयर कलर के बारे में बताऊंगा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हेयर कलर को बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। अब किसी किसी को उनसे एलर्जी भी हो रही है और उसके बाद वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं दवा के लिए कि मुझे कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए और ऐसा कोई कलर अवेलेबल है जिनसे उनको एलर्जी ना हो। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हेयर कलर दो टाइप के होते हैं। एक हेयर कलर होता है कि जो बाल है हमारा, बाल के ऊपर सिर्फ कोटिंग करता है, उसको हम सेमी परमानेंट हेयर कलर बोलते हैं। तो जितनी फ्रिक्वेंटली हम उसको लगाते जाएंगे उसकी कोटिंग उतनी ही मजबूत होगी और वो वैसे ही कलर इम्पार्ट करेगा। और इसके अलावा एक और कलर होता है जिसे हम परमानेंट कलर बोलते हैं। कोटिंग वाला तो सेमी परमानेंट हो गया। जो परमानेंट होता है, ये जो हेयर है पूरा, इसको पूरा ब्लीच करेगा। ये केमिकल है बेसिकली, हेयर कलर इज ए केमिकल डाई, ठीक है। ये पूरा इसको ब्लीच करेगा और जो हेयर की शेफ्ट है बिल्कुल अंदर तक जाता है ये कलर और परमानेंटली हेयर को अपने जो भी कलर होगा, आपने ब्लैक किया है, ब्राउन किया है, वो हेयर को बिल्कुल वैसा बना देता है। अब जो नीचे से हेयर आता है वो हमारा वाइट आएगा। और एक बार अगर परमानेंट आपने डाई लगा लिया है तो वो परमानेंट ही आपका रहेगा। अब इसमें मुख्यतः क्या होता है कि किसी किसी को इनसे एलर्जी हो जाती है। क्या ये हेयर कलर हेयर लॉस का कारण बन सकता है? हाँ, किसी किसी केस में ये हेयर लॉस का कारण बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केमिकल है जो बिल्कुल ब्लीच करते हुए शेफ्ट के अंदर तक जा रहा है। जब शेफ्ट के अंदर तक ये जा रहा है तो हमारे हेयर इससे ड्राई हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं और प्रोन टू हेयर लॉस होता है। तो जब भी हम हेयर कलर को यूज करते हैं, हमें इसके साथ में अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे हेयर कलर मार्केट में आ गए हैं जिसमें कि ये सब पहले ही वो या तो साथ में दे रहे हैं या उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारे बाल उतने केमिकल से कोई डैमेज ना हो और हेयर लॉस का ये कारण ना बने। और कई बार क्या होता है, हेयर लॉस हेयर कलर से हमें जो स्कैल्प है, हमारा सर है, उसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और जिन जिन भी इंडिविजुअल्स को ये सब प्रॉब्लम होती है हेयर कलर से एलर्जी, तो उन्हें वो वाला कलर नहीं लगाना चाहिए। अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाके उनकी सलाह से ही कलर यूज़ करें। और कलर यूज़ करने से पहले वो कान के पीछे लगा के हेयर कलर की टेस्टिंग 24 घंटे पहले या 48 आवर्स पहले ज़रूर करें। इससे वो आगे एलर्जिक रिएक्शन जो हेयर डाई से होने वाला है उससे वो बच सकते हैं। धन्यवाद।